सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको पैरेलल पेंट का दूसरा भाग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। आप लोग दूसरे भाग को नहीं देखते हैं, इसलिए आपको आधा अधूरा ज्ञान होता है, बाद में आप फंस के खड़े हो जाते हैं, फिर आप पूछते हैं, कभी व्हाट्सएप पर पूछते हैं, कभी फोन करते हैं। ये दूसरा भाग बहुत जरूरी होता है। बैग का जो हिसाब होता है वो पूरी फिटिंग डिपेंड करती है बैग के हिसाब पे। आप इस दूसरे भाग को देखते नहीं हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दूसरे भाग को पूरा देखा करो, तभी आपको पूरी पैंट की कटिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये यहां से तीन सूट सामना, क्योंकि नॉर्मल साइज है, ये तीन सूट सामना इसका डाउन करिए, इस शेप से डाउन करना है सामना। अब मैं इसको काट देता हूं। यहां से मोरी से थोड़ा थोड़ा दो दो तार ये बाहर निकाल दीजिए, ताकि आप ये जब तुरपाई करेंगे तो ये टाइट ना पड़े। ये आपका फ्रंट हो गया, अब इसकी बैक काटते हैं। ये जो फ्लाई का कट है, इससे आप इसको सामने को मिला के रखिए, अपने आप ये सीधा हो जाएगा, जहां इसको बैठना होगा अपने आप बैठ जाएगा। अब ये हमने तीन सूट तो ये डाउन किया था, ये इतना तो हमने सामने डाउन कर रखा है। अब हमने इसकी बैक कितनी उठानी है, 1/4 इंच। ये हमने 1/4 इंच इसकी बैक उठानी है, क्योंकि 40.5 हिप है। आप 36 हिप तक, 37 हिप तक 1 इंच बैक उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद 40-41 तक 1/4 इंच, उससे ऊपर आप 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच भी उठा सकते हैं। तो ये आप सबसे पहले ये एक सीधा निशान लगा लीजिए, यहां से सीधा। अब बहुत लोग ये कहते हैं, जी है आप सीधा निशान लगाते हो, लेकिन ये सामना तो शेप में, जब ये डट आएगी तो ये भी राउंड होके ऐसे बराबर आ जाएगा। आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके सामने के हिसाब से राउंड हो जाएगा ये डट आने के बाद। अब ये डट नहीं है, इसलिए आपको ये सीधा लग रहा है। अब ये बैक का निशान लगा लीजिए, और ये 1/2 इंच नीचे इस निशान से 1/2 इंच नीचे ये बैक को आप ये बढ़ा लीजिए। ये 3 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया, ये गिदरी का, ये घुटने का, और ये मोहरी का। यहां से ये 3 इंच हो गया, 3 इंच की लूजिंग, क्योंकि मीडियम फिटिंग है इसलिए हमने 3 इंच रखा है। ये देखिए 3 इंच बैक रखी है, यहां से डेढ़। अब जो लोग नए नए सीखते हैं वो ये कहते हैं, सर आप दबाव तो काटते नहीं है सामने में, दोनों साइड से दबेगा, वो दबाव का है। वो दबाव जो ये 1.5 इंच हम लेते हैं, ये 1.5 इंच बैक का भी दबाव है और सामने का भी दबाव है। ये 3 इंच लेते हैं, यहां से भी 1.5 इंच, ये टोटल, तो ये आपका दबाव है, 1.5 ये 1.5 ये 1.5 ये। ये 1.5 इंच कैसे हुआ, 3 सूत ये 3 सूत ये सामना, 1/4 इंच हो गया, 1/4 इंच बैक होगी तो कितना हो गया, 1.5 इंच। इसलिए हम ये 1.5 इंच ज्यादा लेते हैं, ये दबाव है। जो लोग नए हैं ये उनको बता दूं मैं, ये 1.5 इंच हमने लिया जाता है, ये हमारा बैक का भी दबाव है और सामने का भी दबाव है। ये जो 3 इंच हमने लिया है, 1.5 इंच जो फालतू है, ये हमारी चलने के लिए बैक की लूजिंग होती है, सीट की लूजिंग होती है, ताकि हमें चलने में दिक्कत ना आए। तो ये अब ये लगा देते हैं ये निशान। आप इसी सेफ पट्टी से ये लगाइए,
ये देखिए, अब ये सेफ पट्टी आपका घुटना बढ़ाएगी। अब ये देखिए, ये यहाँ पे निशान आता है, अब घुटना कितना बढ़ गया, ये करीब 250 के करीब ये घुटना आपका बढ़ गया। तो अगर ये इससे ज्यादा घुटना बढ़ रहा है तो आप इस सेफ पट्टी के बजाय ये जो ज्यादा सेफ है इससे आप लगाइए। अगर आपका ज्यादा घुटना नहीं बढ़ रहा है, सूत एक डेढ़ सूत बढ़ रहा है, तो आप इसी सेफ पट्टी से सेफ लगाइए। सेफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपका जैसे यहाँ पे 3 सूत आधा इंच के करीब ये आपका घुटना बढ़ रहा है, तो आप ये ज्यादा सेफ वाली पट्टी से ये आप लगा सकते हैं निशान। ये यहां से ये लगा दीजिए, ये आपका, अब ये देखिए, एक सूत का ही फर्क पड़ा है। बढ़ेगा जरूर घुटना, लेकिन ज्यादा सेफ से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कम सेफ वाली पट्टी से ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हमने ज्यादा सेफ वाली से बैक के निशान लगा दिए। अब यहां से 36 है, तो 9 चौक 36, 1 इंच की प्लेट, 9 और 1 10 और 3 सूत का ये यहां से दबाव, तो यानी आप 10.5 मान के चलिए, ये 10.5 पे आप ये निशान लगा लीजिए। और ये देखिए, मैं हर पैंट में बताता हूं, हिप का निशान होता है हमारा यहां से 2 इंच ऊपर, ये हमारा हिप का निशान है। अब ये हिप का निशान है, अब ये सीट का आप निशान लगाएंगे, तो ये जो आपका बैक का निशान है, इससे 3 सूत या 1/2 इंच नीचे करके हम लगाएंगे। ये देखिए, यहां की बजाय यहां पे स्क्वेयर हम इसको यहां से मिलाएंगे, लेकिन यहां से 1/2 इंच टेपर कर लेंगे, ये टेपर कर लेंगे, तो ये हमें सीट का निशान मिल जाएगा। ये हमारा सीट का निशान हो गया। अब ये देखिए, इसका 40.5 हिप है, अब हमें कितनी लूजिंग मिल गई, कंफर्टेबल कितनी लूजिंग मिल गई। अब ये देखिए, 3 सूत सामना यहां से दबेगा, 3 सूत यहां से दबेगा, तो ये पहले सामना नाप लीजिए कितना है, ये है 11.5, ये 11.5 सामना हमारा बच गया। अब 11.5 को इस निशान से, ये जो निशान है, इस निशान से 11.5 यहां पे रखिए, ये 11.5, और ये देखिए निशान कितना आ गया, ये आ गया आपका 22.5 यानी 44.5, 44.5 आ गया आपका। तो 44.5 इसका हिप बैठ रहा है, यहां से 3 सूत कम कर दीजिए, आप 44 मान के चलिए, 44.5 आप मान के चलिए। अब इसका हिप कितना है, 40.5 हिप, इसका हिप है 40.5। हमारे पास दबाने के बाद तैयार कितना बचता है, 44.5, तो कितनी मीडियम लूज होगी हमारी, ये 40.5 से 44.5 यानी 3 इंच हमारा ये लूज मिल गई है, 3 इंच ऑल राउंड हमें लूज मिल गई है। तो ये कंफर्टेबल लूज, बल्कि आप इसको फुल लूज भी कह सकते हैं, ये फुल, क्योंकि पैरेलल पैंट है, ये हिस्सा पूरा लूज होता है, यहां से पूरी पैरेलल होती है। तो ये मैं बैक को भी काट देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूज बाद में कंफ्यूजन ना रहे। साइड में भी आप घुटने तक दबाव रखिए, कभी भी लूज करनी पड़ सकती है, यहां तक आप जरूर दबाव रखिए। जैसे यहां पे गिदरी में मैंने दबाव रखा है, ये यहां तक, ऐसे यहां तक इसमें पास में भी दबाव रखिए। ये आपकी पैरेलल पैंट की कटिंग हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, ये थी पैरेलल पैंट की कटिंग, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।